नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारियों में हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा कल गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में पहुंचने वाली है, जहां से वह हुंकार भरेंगी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम बड़े नेताओं ने गोरखपुर में अपना डेरा जमा लिया है और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जी जान से कोशिशें इस वक्त जारी है। इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रियंका गांधी के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, पीएल पुनिया सहित तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता कल गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। तैयारियों की अगर माने तो हम लोग पिछले एक महीने से तैयारियां हम लोग की चल रही हैं। मसलन जैसे सबसे पहले बनारस की जब रैली हो रही थी, वहीं से शुरुआत हो गई। लगातार यात्राएं कर रहे हैं हम सब लोग, और वो यात्राएं के लोग और तमाम रैलियों के साथ साथ गुजरते हुए लोग गोरखपुर में प्रवेश कर रहे हैं, और गोरखपुर और आसपास की सीमा के लोग को आमंत्रित किया जा रहा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की जो फैला हुआ है माहौल, दुराचार अभी वर्षों से कांग्रेस का झंडा उठा रहे औरंगाबाद हाउस के उत्तराधिकारी ललितेश त्रिपाठी तृणमूल कांग्रेस से ज्वाइन कर पहली बार मिर्जापुर पहुंचे, जहां पर प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द प्रदेश को विकल्प मिलेगा, तृणमूल का सपा से गठबंधन होगा, इसे पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पहली बार अपनी राजनीतिक जमीन पर मिर्जापुर वो पहुंचे हुए थे। ललितेश पदी त्रिपाठी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता बिना किसी शर्त के संघर्ष के लिए की गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के बिगड़े बोल सुनने को मिले हैं। दरअसल किसान, नौजवान और पटेल यात्रा के साथ जिले में पहुंचे समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल अपनी पार्टी का बखान करने के दौरान संवैधानिक पद की मर्यादा को भूल गए और पीएम मोदी और योदी पर जमकर वार किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देश के सबसे बड़े झूठे और निकम्मे हैं। 2022 में बाइसिकल के आने के बाद कहते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार को हर मोर्चे में विफल हो चुकी है। वह राजनीतिक बयानबाजी के बीच इस कदर मदमस्त हुए कि अपने ही प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री को देश का सबसे झूठा और निकम्मा नेता उन्होंने कह दिया। मोदी और योगी, अमित शाह जितने झूठा है, जितने निकम्मा है, शायद भारत के इतिहास में इस तरीके के न प्रधानमंत्री हुए, न गृहमंत्री हुए, न मुख्यमंत्री हुए। मोदी और योगी, अमित शाह जितने झूठा है, जितने निकम्मा है, शायद भारत के इतिहास में इस तरीके के न प्रधानमंत्री। मैनपुरी जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह लखीमपुर में उनका तबादला कर दिया गया है। प्रशासन ने अब नए जिलाधिकारी अविनाश कृष्णा को जनपद में पदभार ग्रहण करने के बाद अब आम जनता और प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है। जिलाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कहा कि जिले में त्योहार के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से जनता के हित में काम करेगा। जिलेवासियों को हम विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी यहाँ पर व्यक्तियों को नहीं होने वाली। सुल्तानगंज में 2 दिवसीय स्कूल रेडीनेस का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जो हमारे ब्लॉक सुल्तानगंज के 185 ऐसे शिक्षक हैं जिनको ट्रेनिंग दी जानी है, उनको 3 बैचेज में ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और जो हमारे 10 TOT हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग चल रही है। और इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके अच्छे से उनकी जो शिक्षा है उसको हमें अच्छे से देने के लिए जो तैयारी है हमारी, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। और सभी टीचर्स अपने पूरे विद्यालय में जो सारा स्टाफ है उसका सहयोग लेकर के किस तरह से बच्चों की पढ़ाई में हम अपना योगदान दे सकते हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में निर्वाचन आयोग की बैठक में जरूरी जानकारी दी गई। निर्वाचन आयोग CEO अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण का काम 1 नवंबर से शुरू होगा और 30 नवंबर तक वोटर आईडी बनवा सकते हैं। नए मतदाता 7 से 27 नवंबर तक के लिए दावे और आपत्ति जाएंगे
और इन आपत्तियों का निस्तारण 4 जनवरी तक होगा। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि सीईओ ऐप के जरिए अब ऑनलाइन वोटर आईडी भी बन सकेगी। वही मथुरा के तहसील मांड के कस्बा टेंटी गांव में ब्रज स्थली अकादमी में छात्र संसद का गठन किया गया। छात्र संसद में चुनकर आए मंत्रियों के पद और गोपनीयता की उनको शपथ दिलाई गई। मंत्रालय प्राप्त करने वाले छात्रों में ओम प्रकाश सिंह, लक्ष्य गुप्ता, उप प्रधानमंत्री पारस को स्वास्थ्य, ताहिर खान को अनुशासन, जतन को जल, हरेंद्र को खेल, मयंक को संस्कृति, अभय को परिवहन के साथ साथ रिमझिम को दूर संचार मंत्रालय से सुशोभित किया गया। इस कार्यक्रम में एनपी सिंह क्षेत्राधिकारी मांड मजिस्ट्रेट मनीष कुमार और तमाम वहां पर गणमान्य पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए किया गया। मुख्य अतिथि में सभी नवनियुक्त मंत्रियों को शुभकामनाएं भी दी गई। हमेशा अपने दिल में रखूंगा, याद रखूंगा और जहां भी जाऊंगा इसका उदाहरण पेश करूंगा। ब्रज स्थली में गए थे, इतना अच्छा ऐसे वातावरण था, ऐसा प्रोग्राम था, सभी से यह अपेक्षा करूंगा किसी तरह से और स्कूलों में कार्यक्रम कराए जाए। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।